हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवशी मैथ्स क्लासेस। देखिए, जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन होता है और उसे हमें सॉल्व करना होता है, हम क्या करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व 4m + 3 = 18। 4 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सॉल्यूशन में एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद आप देखिए, आपके पास में क्या है, 4m + 3। ये 4 आपका मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो आप इसके डिनोमिनेटर में इधर ले जाइए राइट हैंड साइड पे। देन हम देखिए, इसे कट कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, m + 3 = 9/2। अब हम क्या करेंगे, देखिए m = 9/2, ये +3 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब हम यहाँ से इनका एलसीएम ले लेंगे। देखिए, जब हम यहाँ से इनका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम, आ जाएगा 2, एंड ये आपका हो जाएगा 9 - 2 3 = 6। m = 9 - 6 होता है 3, देन 3/2, दिस इज़ योर आंसर। ये आपका m की वैल्यू आ जाएगी।